कोरोना वायरस से घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए जल्दी किए जाएंगे उपाय। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च अधिकारियों और कारोबार जगत के साथ की समीक्षा बैठक। कोरोना वायरस के चलते उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने का दिलाया भरोसा। महाराष्ट्र सरकार नहीं करेगी एनपीआर का विरोध। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान, कहा अलग अलग हैं सीएए, एनपीआर और एनआरसी। सीएए और एनपीआर से किसी पर नहीं पड़ेगा असर। देश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आगे आए निजी क्षेत्र। खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की सलाह। कहा विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भी खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों को मिले उच्च प्राथमिकता। वैध वीजा नहीं होने के चलते वापस भेजी गई थी ब्रिटिश सांसद डेबी अब्राहम्स। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने की पुष्टि, भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने की वजह से 14 फरवरी को ही वापस लिया गया था ई कारोबारी वीजा। इराक जाने वाले भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी किया यात्रा परामर्श। निनिवे, सलाहुद्दीन, दियाला, अनबार और किरकुक प्रांतों में जाने से बचने की सलाह। इराक के 5 प्रांतों को छोड़कर बाकी जगह जा सकते हैं भारतीय।